हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही ब्यूटीफुल लहंगा डिजाइन। सबसे पहले हमें रेडियस लहंगा के वेस्ट राउंड है 25, उसे प्लस 5 कर उसको 3.14 इंच से डिवाइडेड करके 9.5 इंच आया। ये देखिए, हमने 2 मीटर फैब्रिक ली हुई है इस तरह से, और यहाँ से 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यहाँ से और यहाँ से 9.5 इंच। इसको कॉर्नर के साइड में इसको इस तरह से ले जाते हुए राउंड शेप देना होगा। इस तरह इसको राउंड शेप दे देंगे। अब लहंगा की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितनी लेंथ चाहिए। ये हमने राउंड शेप दे दिया और यहाँ से हम ले रहे हैं 30 इंच। 30 इंच लंबाई हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं, 30 इंच। यहाँ से पर कॉर्नर साइड से हमें 39.5 इंच पर मार्किंग करना होगा। ये कॉर्नर से इस तरह से हमें राउंड शेप देनी होगी। राउंड शेप देने का इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे हमने नेट की कटिंग की है वैसे सेम हमें अस्तर की कटिंग करनी है। बस नीचे से हमें 2 इंच कम करना होगा अस्तर। जैसे हमने नेट कटिंग की थी उसकी लेंथ रखी थी 30 इंच, और अस्तर की लंबाई हमने रखेंगे 28 इंच। ये देखिए, जिस तरह से हमने नेट कटिंग की थी उसे अस्तर भी कटिंग करके इसमें साइड साइड में स्टिच कर दिए, और इसका दूसरा पार्ट इस तरह से रखेंगे। नेट और अस्तर दोनों साथ में हमने जॉइंट कर दिया, दोनों नेट को इसके साइड साइड में सिलाई मारनी होगी। यहाँ से पूरे लंबा सिलाई मार देंगे, दोनों साइड हमें जॉइंट कर देना होगा और नीचे की तरह डबल फोल्ड कर देना होगा। ये देखिए, हमें लहंगा पूरी तरह से हमने स्टिच कर दी और ऊपर की तरफ में हमें पट्टी लगा दी है दोनों साइड में, हो गया। और नीचे की तरफ में देखिए, नेट में हमने पिको करा दी है इस तरह से, इसका फील बहुत अच्छा बैठा है। उसके बाद पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमारी नेट और अस्तर दोनों जॉइंट की हुई है, और इसकी चौड़ाई होगी 3.5 इंच। जैसे हमने सर्कल जितना लंबा किया उतनी बड़ी पट्टी भी चाहिए। इसको दोनों इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर पहले सिलाई मार देंगे 1/2 इंच करके। सिलाई मारने के बाद इस तरह से इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर पूरा सिलाई मार देंगे 1/2 इंच करके। 1/2 इंच करके पूरे सर्कल में सिलाई मार देना होगा। पट्टी अंदर की साइड तरफ रहनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमने सिलाई मार दी है पट्टी में, अब इसको इस तरह से निकालेंगे और इसको इस तरह से 1 फोल्ड फिर 2 फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई मार देनी होगी। बस गैपिंग में 1 इंच का गैपिंग बस छोड़ देंगे, बाकी पूरे सर्कल में सिलाई मार देंगे, क्योंकि उसमें इलास्टिक हमने डालनी है। इसलिए 1 इंच इस तरह से छोड़कर बाकी सब में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई मार देंगे। ये देखिए, हमें सिलाई मार दी है, यहाँ पर 1 इंच का छोड़ दी है गैपिंग। ये रही हमारी इलास्टिक। इलास्टिक की लेंथ अब हम रख रहे हैं 23। जैसे हमें वेस्ट राउंड है हमारी 25, उसे 2 इंच या 3 इंच कम करके इलास्टिक हमने डालते हैं। इस तरह से पिन अटैच करके अब इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। ये देखिए, हमने इलास्टिक डालकर यहाँ पर स्टिच कर दिए जो हमने गैपिंग छोड़ी थी। ये हमारे नीचे के पार्ट्स रेडी हो गए लहंगा के, और इसके ऊपर के पार्ट्स हम अब कट करेंगे। ये देखिए, एक फैब्रिक हमने ली हुई है और इसे 4 फोल्ड कर दिए। इसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई है 7.5 इंच। ये हमने 4 फोल्ड की हुई है और बंद साइड अपने साइड में की हुई है। अब इसके बाद इसमें पिन अटैच कर देते हैं। पिन अटैच करने के बाद बंद साइड अपने साइड में की हुई है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ले रहे हैं 2 इंच और यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 2.5 इंच। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हमने ली हुई है 5.5 इंच, यहाँ से 6 इंच, आर्महोल के लिए 6 इंच। यहाँ से इसको सर्कल एक शेप दे देंगे।
यहाँ से देखिए इसके लेंथ हमने रखी हुई 17 इंच, टोटल 17 इंच। अब यहाँ से हाफ इंच डाउन होगा। अब इसे कट कर लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही हम आपके साथ न्यू आइडियाज शेयर करते रहेंगे। अब इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। गले की कटिंग अभी हमने नहीं की है, इसमें डिज़ाइन करना है। इस तरह से देखिए जो सेव है, इस तरह से पलट देंगे, इसमें सेव इसमें भी आ जाएगा। यहाँ से देखिए सर्कल कर रहे हैं और यहाँ से सीधा होगा। यहाँ से गले की लंबाई हमने सीधा रखी है। आपको जैसा पसंद है वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम नेट अटैच करेंगे। ये रही नेट, इसमें इसी साइज़ की नेट कट करना होगा। ये देखिए दोनों कट करके हमने सेम साइज़ की बैठा दी और पिन अटैच कर दिए। अब इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, इसके शोल्डर को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हाफ इंच सिलाई कर देंगे, यहाँ से हाफ इंच, यहाँ पर से भी हाफ इंच। अब टॉप के गला बैठाने के लिए एक पतले पतले तिरछा कपड़ा कटिंग कर लिया हमने। ये देखिए इसकी चौड़ाई होगी 1 इंच, तिरछा कपड़ा कटिंग करना होगा। इस तरह से खोल कर यहाँ पर गोल ऐसे करके बैठाना होगा। यहाँ पे से हाफ इंच करके सिलाई मारनी होगी, ऐसे सीधा पट्टी बैठाना होगा और हाफ इंच करके पूरी सिलाई मार दी। देखिए हाफ इंच करके हमने सिलाई मार दी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने होंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसे हमें पलटना होगा अंदर की तरफ। इस पैर सबसे पहले हमें टॉप स्टिच लगानी होगी पूरे गले में। पहले टॉप स्टिच लगा देंगे, ये देखिए टॉप स्टिच लग गया। इसको डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ पलट देंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ पलट देंगे। गला बैठाने के बाद इस साइड हमें स्लिप नई डिजाइन लगानी है और दूसरी साइड में हमें स्लिप लगानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्लिप में एक पट्टी लगानी होगी जिस साइड हमने स्लिप नहीं लगानी है। इस साइड इस तरह से तिरछा एक पट्टी लेंगे, जैसे हमने गला में बैठाया था वैसे ही इस साइड में पट्टी को बैठा देंगे। ये देखिए इस साइड हमने पट्टी बैठा दी है और साइड में हमने सिलाई भी करके इसको फिटिंग भी कर दिया। नीचे की तरफ में डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। अब इसके बाद एक स्लिप जो हमने बनानी है फ्लेयर वाला, यह हमने नेट का पीस लिया है 12x12 का। इसकी साइज़ के हमें एक पेपर भी कट कर लिया है। और देखिए ये 4 फोल्ड पहले हमने करेंगे इस पेपर की, 1 फोल्ड और ये 2 फोल्ड, 4 फोल्ड हो गया। और बंद साइड अपने साइड में करेंगे। सबसे पहले हमें आर्म होल मापना है। यहाँ से आया है 6 इंच, 6 का हुआ 12 इंच, मतलब 12 इंच आर्म होल है। इसको इसका तीसरा भाग, इसका चौथा भाग आता है 3 इंच। यहाँ पर बंद साइड अपने साइड में की हुई है, यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच में मार्किंग इस तरह से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है पेन से। सबसे पहले हम पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से इसकी लंबाई हमने रखेंगे 4 इंच, 4 इंच इसकी लंबाई हमने रखी हुई है। इसको इस तरह से सर्कल बना देना होगा, ऐसे ऐसे करके नापते हुए लेके जाएंगे। अब इसके बाद इसको कट कर लेते हैं।
ये देखिए कट करने के बाद कुछ इस तरह से पेपर हमारा कट हुआ है। इसके बाद इसको भी जो नेट को कपड़ा को हमने बाजू बनानी है उसको भी इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे और पेपर को ठीक इस तरह से रखेंगे। अब इसे भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा स्लीव कट हो गया। अब इसके बाद 16x16 का और एक नेट का पीस लिए हुए वैसे फोर फोल्ड हमने की हुई है। इसको इस तरह से हमें डबल लेयर का फ्रिल वाला स्लीव बना रहे हैं इसलिए डबल कपड़े कट करने पड़ेंगे। इस साइज़ का इस साइड से कट होगा लेकिन यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कट होगा। 16x16 का हमने इसलिए लिया हुआ है। अब इस तरह से देखिए बड़ा वाला गोल और ये छोटा वाला 16x16 का है ये, और इसके ऊपर जो हमने रख रहे हैं ये 12x12 का है। अब इसको बीच में सिलाई मार देंगे। ये देखिए बीच में हमने सिलाई मार दी और साइड साइड में हमने ये पिको करा दिए। ये देखिए नीचे साइड में भी फोल्ड हो गया। अब इसे स्लीव को इसमें अटैच करना होगा। अब इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बीच में, यहाँ पर 1/2 इंच करके सिलाई मार देंगे। सबसे पहले इसमें पिन अटैच कर देते हैं। स्लीव उल्टा रहना चाहिए और इस तरह से जहाँ पर हम पिन अटैच कर रहे हैं इस स्लीव में आर्म होल में पूरे सिलाई मार देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हुआ। ये हमने सिलाई लगा दी है। ये हमारा ऊपर का पार्ट्स रेडी है। अब इसके फ्लावर बनाने वाले हैं। इस यह देखिए यहाँ से 3.5 इंच और इसकी लेंथ है 39 इंच। अब इसको इस तरह से फोल्ड किए उल्टा उल्टा करके और इसमें सुई धागे की मदद से हाथ से छोटे छोटे स्टिच करने होंगे। एक फ्लावर हम बना रहे हैं जो टॉप के ऊपर के पार्ट्स में जॉइंट होगा। ऐसे ही चुन्नट करते हुए बीच में सिलाई कर देनी होगी हाथ से। उसके बाद आप टॉप में अटैच कर सकते हैं।